जाओ मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है, कौन है आप? जिशान सोफो निजमा, तुम यहाँ? रुक जाओ, रुक जाओ सोफो। क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर जिशान था, और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। सोफो, सोफो निस्बा। क्या बात है जिशान? सोफो निस्बा कहाँ है? मुझे क्या मालूम बेटे, होगी अपनी ख्वाबगाह में। मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, और आते ही सोफो निस्बा को क्यों पूछ रहे हो? उसे तो हमारे पास से गए हुए बहुत देर हो गई है। आजकल तो वो खुद खाना बनाती है और सबको खिलाती है, और खुद नहीं खाती, तुम्हारा इंतजार करती है। जाओ, जाकर उसके साथ खाना खाकर उसे भी आराम करने दो। सोफो निस्बा के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई है। अब ऐसा मालूम ही नहीं होता कि ये वही सोफो निस्बा है। सच कहा अब्बा जान आपने, पहले तो भाभी जान बहुत सुस्त और काहिल थी, हमसे बात भी अच्छी तरह से नहीं करती थी। वो पूरा दिन अपने ख्वाबों में सोती रहती थी, शाम होते ही उठ जाती थी। उन्हें हमारी उनकी मौत का भी गम नहीं था, मगर अब वो हमारे गम और खुशी में शरीक हैं। घर के खादिम और खादिमा को काम ही नहीं करने देती, और सारा काम खुद ही करती हैं। बहुत खिदमत गुजार है हमारी बहू बेगम, मगर ये जिशान बाहर से क्यों परेशान आया था? आप बाहर से बहुत परेशान आए थे, क्या बात है? बहुत अजीब बात है, सुनोगी तो तुम भी पहले हैरान होगी, फिर परेशान हो जाओगी। परेशान हो जाऊंगी? कैसे, बताइए ना। हमारी शादी की पहली रात को ही हमारी अम्मी जान ने देखा था कि तुमसे मिलती जुलती एक लड़की हमारे मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अच्छा, फिर क्या वो लड़की कभी नजर आई? हाँ, वो आज फिर नजर आई, मगर यहाँ नहीं। जब मैं साहिले कस्तून से आ रहा था तो पुराना महल और जंगल के सुनसान रास्ते में मुझे वो नजर आई। अल्लाह खैर, क्या हुआ फिर? मैंने समझा कि तुम हो। मैं? हाँ, बिजली की चमक में मैंने उसकी एक झलक देखी, हूबहू तुम्हारी तरह थी। तौबा तौबा, अल्लाह रहम कर। मैंने पुकारा, वो भाग गई, मैंने उसका पीछा भी किया। आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। अरे कैसे पीछा नहीं करना चाहिए था, मुझे नजर आ रहा है कि मेरी बीवी बीच रास्ते पर खड़ी है,
और फिर वो मुझे देखकर भाग रही है, तो ये राज मालूम करने के लिए मुझे उसका पीछा करना ही चाहिए था। ये राज मैं बताती हूँ। तुम बताओ क्या राज है। नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो है जो तुम मुझसे कहते कहते रुक गई। सच सच बताओ क्या बात है, क्या उस राज का ताल्लुक तुमसे है? नहीं। अगर नहीं तो फिर ये आंसू कैसे? ये डर और खौफ के आंसू हैं जो आपकी हिफाजत के लिए दुआ बनकर बह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको उस खूबसूरत बला से बचा लिया। खूबसूरत बला? तुम्हें ये कैसे मालूम? मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि चुड़ैले और बदरू डाइने रात को खूबसूरत बनकर जंगल में घूमती रहती हैं, और जब शिकार फंस जाता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लो ये तावीज, तकिए के नीचे रख दो। हमारे घर के सब लोग तुमसे बहुत खुश हैं। पहले तुम ऐसी नहीं थी, जो तब्दीली तुम में अब आई है उससे हमारे घर में एक नई जिंदगी आ गई है, एक बहार आ गई है। खुदा करे कि ये तब्दीली कायम रहे। एक बात बताओ सोफन, इस बार तुम हमारे बिस्तर पर क्यों नहीं सोती? रात भर इबादत ही करती रहती हूँ। आप पर और आपके खानदान पर कोई मुसीबत न आ जाए इसीलिए मैं इबादत करती रहती हूँ, वजीफा पढ़ती रहती हूँ। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ये वजीफा कब तक पढ़ती रहोगी? 40 दिन तक। 40 दिन तक मैं इंतजार करूँगा, तुम्हारी वजीफे इबादत में खलल नहीं डालूंगा। शुक्रिया, इस बंदी को आपने मुसीबत से बचा लिया। आइए खाना खाते हैं। चलो। ये राज अभी तक मालूम नहीं हुआ अब्बा जान, कि अकरम को दिया हुआ ये तावीज उन फूलों पर पड़ा कैसे पाया गया, और फिर उसी इलाके में मरहूम अकरम की लाश मिली। अकरम के बयान और हमारे इल्म के मुताबिक जेशान की बीवी सोफो निजमा ने ही अकरम का खून किया है। क्या बात है भाईजान, आज आप इतना चहचहा क्यों? आबिदा बहन, तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम भी चहचहाने लगोगी। ऐसी क्या बात है, बयान कर। मैं हर जुमरात की तरह आज भी हजरत नजर मियां शाह बाबा के मजार शरीफ पर हाजिरी देने गया था। वहाँ मेरे बहुत से पसंदीदा दोस्त हैं, तो देख कबूतर कवे मिले। उन्होंने बताया कि मुखबिर जिन भी यहाँ मजार शरीफ पर हाजिरी देने आता है, उस दिन ने हमें बताया कि उसे अकरम की मौत का राज मालूम हो गया है। ये बात भाईजान को यानी मुझे बता देना। इसलिए आप दोनों से मेरी इल्तिजा है कि मुखबिर जिन को बुलाकर राज मालूम कर लो। नहीं, हरगज नहीं, मैं उस नालायक मुखबिर जिन को कभी नहीं बुलाऊंगा। वो एतबार के काबिल नहीं, उसकी बात नामुकम्मल और मालूमात नाकारा है। उसकी की हुई गलतियों की सजा हमने भुगत ली है, हम शर्मिंदा हुए, पछताए, मुआफी मांगी, यहाँ तक कि जिशान और सोफो निजमा की नजरों में हम जलील हुए। इतना कुछ करने के बाद भी वो मुखबिर गैर जिम्मेदार नालायक हमारे जख्मों को हरा करना चाहता है, मैं उसे कभी मुआफ नहीं करूंगा।
जब अल्लाह से कोई माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, बख्शीश मांगता है, तो अल्लाह भी अपने खताओं की खताएं माफ कर देता है, उसे बख्श देता है। तो हुजूर, फिर क्या आप अपने खताओं की खता माफ नहीं करेंगे? हाँ, माफ करेंगे। तो फिर हुजूर भलाइयों से वो आपके हुजूर में हाजिर देना चाहता है, और आप उसे अकरम की मौत और सोफ़ा नज़्बा के पूरे असर किरदार का पता चल गया है। वो सबूत के साथ साथ सब बातें पेश करेगा, उसे बुलाइए। مشفق آقا عامل کامل تیرا خطاوار مخبر جن حاضر ہے تو نے اپنے اس غلام جن کو معاف کیا یا نہیں ہاں معاف کیا مخبر جن اصلیت بتا مظلوم اکرم اور صوف و نظبہ کے پر اثر کردار کی حقیقت بیان کر حقیقت یہ ہے میرے آقا کہ اکرم کا خون صوف و نظبہ نے کیا بطرحدائن ہے مخبر جان تو پھر وہی بات کر رہا میری وہی بات سچی ہے زیشان کے گھر میں جو آج کل زیشان کی بیوی صوف و نظبہ بن کر رہتی ہے وہ صوف و نظبہ نہیں بلکہ وہ ایک پاکیزہ پاک جسم کی لڑکی عصمت جہاں ہے عصمت جہاں کیا ثبوت ہے تیرے پاس ثبوت میں وہ منظر دکھا دیتا ہوں جو منظر میری سچائی کا ثبوت ہے عصمت جہاں ایک اللہ والے درویش کی باپ دامن بیٹی ہے عصمت جہاں کا باپ اللہ والا درویش حضرت صدیق شاہ بابا کی مزار شریف کا خادم ہے جب ناپاک روح والی ڈائن صوف و نظبہ اکرم کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی تب جادوگرنی مری خان نے اپنے دو جن بلائے داف جن تباف جن ایک لڑکی پاک جسم پاک روح والی دوشیزہ کے ساتھ حاضر ہو تو وہ دونوں ناپاک جن مزار شریف میں بھی نہیں گھس سکتے تھے اس لیے جب عصمت جہاں مزار شریف سے باہر نکل کر اپنے گھر جا رہی تھی تب داخ جن نے اسے اٹھا لیا اور جادوگرنی مری خان کے پاس لے کر آ گیا جادوگرنی نے عصمت جہاں کی شکل بدل دی شکل اور جس کی اصلی صوف و نظبہ جیسا بنا دیا اور اسے زیشان کے گھر بھیج دیا یہاں آنے کے بعد سب سے بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ اس وقت جہاں نقلی صوف و نظبہ تو بن گئی لیکن اس کا دل اور روح اصلی صوف و نظبہ کی طرح نہیں بن سکا کیونکہ وہ شیطان کی دشمن اور اللہ کو ماننے والی پاک جسم اور پاک روح والی جوان لڑکی تھی وہ زیشان اور اس کے خاندان کی ہمدرد بن گئی اور اپنا وظیفہ پڑھنے سے اسے دو فائدے ہوئے ایک تو یہ کہ زیشان کی بیوی نہیں تھی اسے اپنے آپ کو بچانا تھا دوسرا یہ کہ وہ چاہتی تھی کہ عابدہ کی مدد سے زیشان کے خاندان کو بچایا جائے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ناپاک شیطان کی طاقت ہمیشہ اللہ کے پاک نام اور کلام کے سامنے ہار جاتی ہے آپ تو جانتے ہی ہیں شاباش مخبر جن شاباش تیرا یہ کام قابل تعریف ہے واقعی
तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है मुखबिर जी। अब तो सब समझ में आ गया। और वो नेक सीरत इस्मत जहाँ का किरदार तो वाकई एक मिसाल है। वो तो बिल्कुल नहीं घबराई, हालात की मजबूरी में भी बुरे से बुरे हालात का मुकाबला किया और शैतानी ताकत के खूनी पंजों में फंसे जीशान के खानदान को बचाने की कोशिश भी कर रही है। वो बदरूह असली सोफोरिज्मा कहाँ है? पुराने महल के खंडरों में, और पुराना जंगल उसका ठिकाना है। वो जंगल इस कदर खौफनाक और उसमें इतना अंधेरा है कि लोग दिन में जाते हुए भी डरते हैं। लेकिन मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी? जाऊंगी। जाएगी, जरूर जाएगी, और उसे गिरफ्तार करके लाएगी। उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है मेरे आका, क्योंकि सोफो निस्बा की जादूगरनी मरीखा के पास बड़ी शैतानी ताकत है। मेरे पास मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे ईमान की ताकत है। हाँ, अल्लाह और ईमान की ताकत ही शैतानी ताकत को हरा सकती है। आजकल चांद की चांदनी खत्म हो चुकी है, उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरी रात का सन्नाटा होगा, सिर्फ शैतानी बिजलियां चमकती रहती हैं। ऐसे आखिरी खौफनाक माहौल में मुझ जैसे जल्लाद किनको जाना चाहिए? तू न जा ए दुख्तरे आमिल, वो जंगल बड़ा खतरनाक है। खतरों से डरते रहे तो फिर फर्ज कभी अदा नहीं हो सकता, और फिर किसी ना किसी दिन किसी ना किसी को तो ये काम करना ही होगा, तो क्यों ना मैं ये काम करूं? बेशक ये काम तुम ही करोगी। तुम्हारे पास रूहानी और जलाली इल्म के सारे हथियार मौजूद हैं। जो इंसान लड़ने से पहले लड़ने की तैयारियां कर लेता है, वो इंसान आधी लड़ाई तो लड़ने के पहले ही जीत जाता है। वो बदरूह अल्लाह के बंदों का खून कर रही है, उसे जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए और सजा दे दी जाए, ये अल्लाह के बंदों और इंसानियत की खिदमत होगी। लो बेटी, ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए जिंदगी और शैतानों के लिए मौत का निशान है। अब्बा जान, मुखबिर मददगार जन, मेरी कामयाबी की दुआ करना। हसीन नौजवान, क्या देख रहे हो? किसे तलाश कर रहे हो? पानी तलाश कर रहा हूँ, बहुत प्यास लगी है। आओ मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूँ। अपनी प्यास पानी से बुझाओगे या शराब से? पानी से। मगर तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ नौजवान। लो ये पानी पी लो। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, इतने भयानक और खौफनाक जंगल में क्या कर रही हो? ये सब हमारी ही जगह है, यहाँ की सब चीजें हमें पहचानती हैं, तो फिर डर किस बात का? पानी तो पियो। अब पानी की
कोई जरूरत नहीं। क्यों? तुम्हारा चेहरा देखते ही सारी प्यास बुझ गई। बचा सकता सोफो निस्बा।